हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद कृष्ण पर। दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका नाम है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, यानी कि टेल का मतलब कहानी, और ये किसकी कहानी है, दो पक्षियों की, दो बर्ड्स की कहानी है। तो इस स्टोरी के माध्यम से हम बहुत सारे नए वर्ड साथ सीखने वाले हैं, सेंटेंस में कैसे वर्ड्स को यूज किया जाता है वो भी हम सीखेंगे, इसी के साथ वर्ड्स को किस तरीके से आपको प्रोनाउंस करना है, कैसे उनका उच्चारण करना है, वो हम इस स्टोरी के माध्यम से सीखेंगे। तो वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिए। चलिए फटाफट से अपनी आज की स्टोरी शुरू करते हैं। अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। तो यहाँ पे छोटी सी समरी दे रखी है और बताया गया है कि आगे स्टोरी में क्या होने वाला है। एक मदर बर्ड थी, यानी कि एक मदर पक्षी था, एंड हर टू यंग वंस, और उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे। वो कहाँ रहते थे? लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। लिव का मतलब रहना, कहाँ रहते थे? फॉरेस्ट में, यानी कि एक जंगल में वो रहा करते थे। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान। तो एक दिन क्या हुआ, बहुत जोर का तूफान आया जिसमें उस मदर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, मर जाती है वो। एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। और जो दोनों यंग बर्ड थे वो क्या होते हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट का मतलब होता है अलग हो जाना। तो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम। और वो क्या है, तेज तूफान में अलग चले गए तो वो अलग अलग रहने लगते हैं, अलग अलग उनके घर बन जाते हैं। आगे स्टोरी शुरू करते हैं अपनी मेन स्टोरी जो है। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बोर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक बार की बात है, एक बर्ड थी और उसके दो न्यू बोर्न बेबीज, नवजात बच्चे जो थे, वो कहाँ रहते थे, फॉरेस्ट में रहा करते थे। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री, एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। तो एक बार की बात क्या है कि दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल, उनका एक नेस्ट था, यानी कि घोंसला बना हुआ था। कहाँ बना था? बहुत टॉल ट्री था, शेडी ट्री था, यानी कि छावदार पेड़ था। एंड देयर द मदर बर्ड, और वहां पे जो मदर बर्ड है वो क्या करती थी, टुक केयर, ध्यान रखा करती थी। टेक केयर का मतलब होता है ध्यान रखना, टुक केयर का मतलब हो गया ध्यान रखा करती थी। किसका? ओ फॉर लिटिल वंस डे एंड नाइट, उसके जो छोटे छोटे बच्चे थे उनका दिन रात ध्यान वो रखा करती थी। वन डे, एक दिन क्या हुआ, देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म, बहुत बड़ा तूफान आया। स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, तूफान। देयर वॉज थंडर, बिजली कड़क रही थी, लाइटनिंग थी, एंड रेन, और बहुत तेज बारिश हो रही थी। एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज, और हवा इतनी तेज थी कि उसने बहुत सारे ट्रीज को गिरा दिया। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन, जो बहुत लंबा वाला ट्री था जिसमें बर्ड्स वो रहती थी, वो भी नीचे आ गिरा। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड। अब हुआ क्या कि जिस टाइम पेड़ गिरा तो एक बहुत हैवी ब्रांच, एक बहुत बड़ी टहनी थी, उसने क्या करा, नेस्ट को हिट करा, नेस्ट पर लग गई, और उससे उस बर्ड की जान चली जाती है। फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली का मतलब होता है भाग्यवश, व्हेन यू आर लकी यू आर फॉर्चुनेट, है ना। फॉर द बेबी बर्ड्स, अब क्या हुआ कि वो भाग्यशाली थे बेबी बर्ड्स, वो बच गए। द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। अब वो फॉरेस्ट के दूसरी साइड उड़ के चले जाते हैं, इतनी तेज हवा थी, छोटे छोटे थे, हल्के थे, तो वो दूसरी साइड चले जाते हैं और उनकी जान बच जाती है। अब आगे क्या हुआ, वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। अब क्या हुआ, एक बच्चा कहाँ जा पहुंचा, एक केव के पास, यानी कि गुफा के पास जा पहुंचा। केव का मतलब होता है गुफा, जहां पे कौन रहते थे, गैंग ऑफ रॉबर्स मतलब डाकू थे, उनकी पूरी टोली वहां पे रहा करती थी। तो एक पक्षी तो वहां जाके रहने लगा, दूसरा देखते हैं कहाँ गया, द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। दूसरा कहाँ पे जाके लैंड करा, आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम, एक ऋषि का आश्रम था, वहां जाके वो लैंड करा और वहीं पे उसने अपना घर बना लिया, अ लिटिल डिस्टेंस अवे, वहां से थोड़ा सा वो दूर था। अब आगे क्या हुआ, डेज पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। दिन बीतते गए धीरे धीरे, और क्या हुआ, जो बेबी बर्ड्स थे वो क्या बन गए, बिकेम का मतलब बन गए क्या, बिग बर्ड्स, बड़े हो गए वो। वन डे, एक दिन क्या हुआ, द किंग ऑफ द कंट्री, वहां का जो राजा था, देश का राजा था, केम टू द फॉरेस्ट, कहाँ आया, फॉरेस्ट आया, किस लिए आया, टू हंट, हंट का मतलब होता है शिकार करना, शिकार करने के लिए वो आता है। ही सॉ अ डियर, उसने क्या देखा, एक डियर देखा, हिरन को देखा, एंड रोड आफ्टर इट, और उसके पीछे दौड़ने लगा। राइड का मतलब क्या होता है, सवारी करना, रोड मतलब सवारी, की घोड़े पे था तो वो हिरन के पीछे भागने लगता है। इट रैन डीप इन टू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। अब क्या हुआ, वो जो हिरन था बहुत अंदर तक फॉरेस्ट में चला जाता है, क्यों, क्योंकि किंग उसका पीछा कर रहा था। सून द किंग लॉस्ट इज वे, अब
क्या हुआ, थोड़ी देर बाद ही किंग जो था लॉस्ट हिज वे, का मतलब अपना रास्ता गुम गया, भूल गया, एंड डिड नॉट नो वेयर ही वॉज, और उसे नहीं पता था कि वो अब कहां पर है। आगे क्या हुआ, ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी देर तक वो चलता रहा, सवारी करता रहा घोड़े पर, टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, और वो जंगल की दूसरी साइड में पहुंच जाता है। वेरी टायर्ड बाय नाउ, टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ, तो अब तक क्या था, बहुत ज्यादा वो थक चुका था। नाउ का मतलब अब, तो अब तक थक गया था। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, गेट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से उतरना, तो किससे उतरा वो, अपने हॉर्स से उतरा, एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री, सेट की सेकंड फॉर्म सेट, बैठ गया, कहाँ पे बैठ गया, अंडर अ ट्री, ट्री के नीचे, दैट स्टूड नियर अ केव, और कहाँ पे था वो, केव के पास में ट्री था, वहां पे वो बैठ जाता है। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट, हर्ड का मतलब सुना, हियर का मतलब होता है सुनना, सडनली का मतलब अचानक, तो उसने क्या सुना, अचानक से एक आवाज सुनी, क्विक जल्दी करो, हरी अप फटाफट, देर इज समवन अंडर द ट्री, कोई है ट्री के नीचे, कम एंड टेक हिज जूल्स एंड हिज हॉर्स, फटाफट से आके इसके जूल, इसकी ज्वेलरी जो है, इसके आभूषण जो है, और उसका घोड़ा है, उसको लूट लो, जल्दी आओ, हरी करो, हरी का मतलब जल्दी करना, और एल्स ही विल स्लिप अवे, वरना भाग जाएगा वो। द किंग वॉज अमेज्ड, अब किंग क्या हुआ, वो अमेज्ड हो गया, सरप्राइज हो जाता है कि भाई ऐसा कौन है, कौन बोल रहा है ऐसे। ही लुक्ड अप एंड सो अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री, तो उसने ऊपर देखा तो कौन था वहां पे, एक बिग ब्राउन बर्ड उसको वहां पे दिखाई देती है ट्री के ऊपर, अंडर विच ही वॉज सिटिंग, जिसके नीचे, पेड़ के नीचे वो बैठा था। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेज इशूइंग फ्रॉम द केव, अब उसने सुना कि भाई अंदर केव में से, अंदर जो गुफा थी वहां से कुछ आवाजें आ रही है, यानी कि कुछ डिस्कस कर रहे हैं, इसको लूटने वाले थे, तो इसने क्या किया, ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स, फटाफट से अपने हॉर्स पर बैठा, एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, और जितना जल्दी हो सकता था, जितना तेजी से हो सकता था, वहां से वो भाग जाता है। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर अ सिमिलर वॉइस अगेन, अब किंग क्या है, फिर से शॉक्ड हो जाता है कि भाई ये सिमिलर वॉइस कहाँ से आ रही है बर्ड की, ये वही बर्ड थी जिनकी जान बच गई थी। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, और जो बर्ड्स, दोनों बर्ड्स थे, उनकी ट्रू स्टोरी क्या थी, क्या कहानी थी उनके पीछे की, वो बाद में इसको, किंग को पता लगेगी स्टोरी में। ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड, और वो ऋषि से भी मिलेगा जो उन दोनों बर्ड्स के बिहेवियर को एक्सप्लेन करेगा। आगे देखते हैं, सून ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम, अब वहां पे दूसरी जगह पे आ जाता है किंग भाग के, जो एकदम साफ सुथरा सा इलाका लग रहा था, थोड़ा सा वहां ट्रीज इतने नहीं थे, और वहां पर एक आश्रम बना हुआ था, उसी ऋषि का आश्रम बना था। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, द किंग टाइड हिज हॉर्स, किंग ने अपने हॉर्स को बांध दिया टू अ ट्री, किससे बांधा, ट्री से, एंड सेट डाउन इन इट्स शेड, और उसी के पेड़ के नीचे बैठ जाता है छाव में। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस, अब उसने फिर से एक आवाज सुनी, लेकिन इस बार वॉइस जो थी बहुत जेंटल थी, बहुत स्वीट वॉइस थी, वेलकम टू द आश्रम सर, आपका स्वागत है आश्रम में, प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट, कृपया करके अंदर आ जाइए और थोड़ा आराम करिए, द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि जल्दी ही वापस आ जाएंगे, देर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, पॉट में थोड़ा सा कोल्ड वाटर है, वो आप पी लीजिए, ठंडा जल है, शीतल जल है, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, कंफर्टेबल फील करिए, अच्छा फील करिए, अपना ही घर समझिए, बैठ जाइए। द किंग लुक्ड अप एंड सो अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, अब उसने ऊपर देखा, फिर से उसको एक ब्राउन बर्ड दिखाई देता है, ही वॉज अमेज्ड, फिर से सरप्राइज हो गया, दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, अब जो केव के बाहर उसने जो बर्ड देखी थी, ये सेम उसी की तरह से लग रही थी, उसने बोला, ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, उसने, किंग को लगा कि ये तो वही बर्ड है सेम, यू आर राइट सर आंसर द बर्ड, अब बर्ड ने बोला कि हाँ तुमने बिल्कुल सही पहचाना, ही इज माई ब्रदर, वो जो पक्षी है दूसरा वाला, जो दूसरी बर्ड है ब्राउन, केव के बाहर रहती है, वो कौन है, ही इज माई ब्रदर, मेरा ब्रदर है वो, बट ही हैज मेड फ्रेंड्स विद रोवर्स, लेकिन वो डाकुओं का दोस्त बन गया है, डाकुओं के साथ रहता है, इसीलिए उन्हीं की संगत का असर उस पर आ गया है, ही नॉट टॉक्स एज दे डू, और जैसा जैसा वो बोलते हैं, जैसा जैसा करवाते हैं जो डाकू हैं, वैसा ही मेरा भाई करता है, ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, अब वो मुझसे बात नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, और उसी टाइम पर ऋषि जो है आश्रम में आ जाते हैं। अब जब ऋषि जो है वो आश्रम आया, तो उसने वेलकम किया किसका, किंग का, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, कृपया करके अंदर आ जाइए और इसे अपना ही घर समझिए, यू लुक टायर्ड, थके हुए लग रहे हो तुम, रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए, फॉर अ वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए, देन यू कैन शेयर माई फूड, और उसके बाद हम साथ में खाना खाएंगे, मैं अपना फूड तुम्हारे साथ शेयर करूंगा।
किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स। अब क्या हुआ, किंग ने पूरी कहानी बता दी उसको दोनों बर्ड्स की कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, एक बर्ड ने मुझे लूटना चाहा और दूसरी बर्ड ने मेरा स्वागत किया है, एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली, और दोनों ने कितना डिफरेंट बिहेव किया मेरे साथ। दो दे लुक्ड सो लाइक, हालांकि सेम लग रहे थे फिर भी वो अलग अलग कैसे हैं। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, इस फॉरेस्ट में तो सरप्राइजेस है, बहुत सारी अलग चीजें हैं। किसने बोला, किंग ने बोला। अब आगे क्या हुआ, द होली मैन स्माइल्ड एंड सैड। होली मैन जो था उसने स्माइल किया और बोला, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। एक इंसान हमेशा अपनी संगत से पहचाना जाता है, अगर वो अच्छी कंपनी में है, अच्छी संगत में है, तो वो अच्छा इंसान बनेगा, और अगर उसकी संगत बुरी है तो वो बुरा इंसान बनेगा, जैसे कि इन बर्ड्स के साथ हुआ। दैट बर्ड हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स। एक बर्ड जो है वो हमेशा रॉबर्स के डकैतों के साथ रही, डाकुओं के साथ रही, तो उसने उनकी बातें सुनी और वो वैसी ही बन जाती है। ही इमिटेट्स दैम, उसने क्या किया, इमिटेट किया, इमिटेट का मतलब नकल करना, वैसे ही उनकी नकल करी। एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और हमेशा लोगों को लूटने के बारे में वो बर्ड बोलती है। दिस वन हैज रिपीटेड वट ही हैज ऑलवेज हर्ड, और जो उसने सुना है उसी चीज को वो रिपीट कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो बर्ड है उसने मेरी चीजें देखी, मेरी चीजों को इमिटेट किया, तो वो वैसे ही सीखा। क्या सीखा, ही ऑलवेज वेलकम पीपल टू द आश्रम, हमेशा वेलकम करता है, स्वागत करता है ये पक्षी। नाउ कम इन साइड एंड रेस्ट, अब अंदर आ जाओ, रेस्ट करते हैं थोड़ा सा। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, मैं इस जगह के बारे में और इन पक्षियों के बारे में तुम्हें और बताऊंगा। तो देखा आपने कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। इस तरह की और इंटरेस्टिंग स्टोरीज अगर आप देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे एक नए लेसन के साथ।